त्रिभुवन, तुम सिर्फ अपने काम की फिक्र करो, दाम की फिक्र तुम मुझ पर छोड़ दो। अगर जमीन अच्छी है तो बयाना कर दो, बस एक बात का ध्यान रखना, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। आओ मामा आओ, बड़े दिनों में निकला है चांद, किस बदले में छिप गए थे? बैठ सकता हूं? हाँ हाँ जरूर। गधे के सींगों की तरह कहां गायब रहे इतने दिन? शहर गया था आप लोगों के काम से। तो काम हुआ? हो जाएगा। वो तो पहले दिन से सुन रहा हूं। मामा सुना तो हमने भी है कुछ। प्रोमिला, लेकिन वो तो अब जिस तरह से वो लापता हुई थी तो हमने भी यही सोचा था, मगर भगवान का शुक्र है कि वो जिंदा है और ठीक भी है। बड़े घर की लीला बड़े घर वाले ही जाने, हमने तो सिर्फ मुहावरों में ही पढ़ा था कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब क्या होता है, और तुम तो सचमुच गड़ा मुर्दा उखाड़ कर ही ले आए। तो कब मिल सकते हैं बड़े घर की इस नई नई नहीं पुरानी मालकिन? जब तुम चाहो। आखिर प्रोमिला चाची है तुम्हारी। मास्टर जी आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? नाराज? कैसी बात कर रहे हो इमरान, दोस्ती में कैसी नाराजगी? मेरा यकीन मानिए मास्टर जी, वो किताब वाली तरकीब मेरी नहीं थी। मैं जानता हूं इमरान, इतनी दूर की सोच तो बस शबनम की ही हो सकती है। पर वो मैं हाँ इमरान, बीवी की बात मानने वाला ही अच्छा शोहर होता है, और तुम तो शुरू से ही शबनम की कोई बात टाल ही नहीं सकते। माशाल्लाह, वो बातें ही इतनी प्यारी करती है। मास्टर जी एक बात कहें, वैसे शबनम और कमला का सोचना गलत तो नहीं था? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए मास्टर जी, ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि नर्स बहन जी ने आपसे जो कुछ भी कहा वो कमला और आपको नज़दीक लाने के लिए कहा, और फिर अगर आप मुझसे भी पूछेंगे तो मेरे नज़रिए में नर्स बहन जी एक सच्ची इंसान होने के साथ साथ नेक और दरिया दिल दोस्त भी हैं, और आजकल इस दुनिया में कौन किसके बारे में सोचता है, आप खुद बताइए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आप और नर्स बहन जी, लेकिन मास्टर जी आप तो सब कुछ जानते हैं फिर भी इतने खामोश। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। कैसे हैं इमरान भाई? आदाब नर्स बहन जी, आपकी उम्र कितनी लंबी है, अभी मैं बस आपके बारे में सोच रहा था कि पैर के दर्द की दवा पूछ लूं आपसे। क्या हुआ आपके पैर में? कुछ कुछ खास नहीं सकता जी, कभी कभी ना इसके हाँ इसके पैर में मरोड़ उठते रहते हैं। हाँ मरोड़ आती रहती है। पैर में मरोड़? आप फिक्र ना करें, मेरे पास इसका इलाज है, है ना इमरान? मास्टर जी ये किताब। टूटा खिलौना जी, काफी इंटरेस्टिंग बुक है, मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा आपको भी पढ़ने के लिए दे दूं। थैंक्स। अच्छा अब मैं चलती हूँ, नमस्ते। बाय। नमस्ते।
इजहारे मोहब्बत का क्या कहें, कब मिलेगा जवाब? इजहारे मोहब्बत का क्या कहें, कब मिलेगा जवाब? फिलहाल तो कभी आप देते हैं किताब, कभी वो देते हैं किताब। दूसरा पैर भी तुड़वाना है, दूसरा पैर भी तुड़वाना है तो बतला दो जनाब। नहीं चलो। अरे अम्मा लाइए, अम्मा सोनू को मुझे दे दीजिए। सोनू क्या कहते हैं, सोचा 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 शुरू कीजिए ना। खाना बहुत बढ़िया बना है, है ना अम्मा? जी अम्मा ने बनाया है। वो मैंने कहा पर उन्होंने मुझे कोई काम करने ही नहीं दिया। अब आते ही पहले दिन काम पे लगा देती क्या? देखा, तेरे साथ बैठते ही माँ के हाथ का खाना अच्छा लगने लगा। क्या हुआ छुटकी, खाओ ना। मुझे भूख नहीं है। लो अभी से भूख नहीं है, ले का। नहीं अम्मा मुझे सच में भूख नहीं है। भूख नहीं है मतलब? अब इसका तो रोज का ही है ना, इस सबकी लाडली जो है कई बार नहीं खाने की वजह से बीमार पड़ चुकी है। चुकी कुछ और बना दूं? रहने दे कला, भूख लगेगी तो खा ले। हाँ और लगता है आपका वजीर मेरी वजह से अपनी चाल भूल गया। मैं आपके शतरंज में रुकावट नहीं बनना चाहती थी, पर ना जाने क्यों मेरे कदम खुद ब खुद मुझे यहाँ ले आए। कदम तो ले आए प्रमिला जी, लेकिन कोई चाल मत खेलिएगा। वैसे आपको शतरंज खेलने का शौक है? मुझे शतरंज खेलने का नहीं, सिर्फ देखने का। खास तौर पर जब कोई अकेला खेल रहा हो। मैं कुछ समझा नहीं। आप बड़े सांप जैसे दिखते ही नहीं, बल्कि आपकी आदतें बिल्कुल उनके जैसी हैं। जब वो भी ना बड़े परेशान होते थे तो बिल्कुल ऐसे ही अकेले शतरंज खेलते थे। अब वैसे आपको कोई परेशानी तो? हमें क्या परेशानी होगी? कुछ तो जरूर है देवर जी, बड़ी
गहरी सोच में थे आप? कुछ पुरानी यादें जरा गहरी होती हैं। प्रोमिला जी, चुटकी खाना क्यों नहीं खाया तूने? भूख नहीं लगी थी। लेकिन अगर तू भूखे पेट सोएगी तो तुझे नींद थोड़ी ना आएगी। चल मैं तेरे लिए थोड़ी सी मूरी ले आती हूँ। नहीं, मुझे सच्ची में भूख नहीं लगी। लेकिन चुटकी, मूरी तो तुझे बहुत पसंद है ना? चल मैं तेरे लिए थोड़ी सी मूरी लेके आती हूँ। मैं भी चलो। चल कॉलेज के प्रोफेसर को मेमना बनाना है तुझे। बड़े साहब की वसीयत और गल्ले की चाबी सब कुछ उसकी आंटी में तब है। चारा खिला और गले में रस्सी डाल दे उसकी। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।